लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, नेताओं और पार्टी के कार्यकर्ताओं साथ देश की जनता में भी उत्साह बना हुआ है कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। वैसे तो राजनीतिक गलियारों में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को दिल्ली के द्वार के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 9 प्रधानमंत्री ये राज्य अब तक दे चुका है और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट से ही आते हैं। विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे की बात की जाए राहुल गांधी जी की, तो वो भी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से ही चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर मुंबई के सट्टा बाजार ने एक हाल या यूं कहे कि आकलन जारी किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 51 सीटों पर मुंबई सट्टा बाजार बता रहा है कि यहाँ की सीटों पर इंडिया गठबंधन अपनी पकड़ बनाए हुए दिखाई दे रहा है, या यूं कहे कि इन सीटों पर जीत सकता है। तो चलिए समस्त प्रकार की जो चर्चाएं हैं आज इस प्रोग्राम में हम करते हैं। तो इस प्रोग्राम में चर्चा करने के लिए मैं सचिन यादव यहाँ पे आपके सामने उपस्थित हूँ और हमारे साथ सर पुरुषोत्तम वशिष्ठ जी यहाँ मौजूद है, जो आपको मुंबई सट्टा बाजार की जो रिपोर्ट आई है उसका हाल आपके सामने रखेंगे। तो सर, किस प्रकार की जो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश को लेकर देखी जा रही है और मुंबई सट्टा बाजार यहाँ की जो 51 लोकसभा सीटें हैं उनके ऊपर इसका क्या कहना है, तो जो है दर्शकों के सामने आप अपनी राय जो है रखें। देखिए, सचिन जी ने अपने इंट्रो में आपको दर्शकों को बताया कि मुंबई सट्टा बाजार ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी है जो स्पेशल उत्तर प्रदेश की सीट 51 सीटों को लेकर है। उसमें उसने बताया है कि ऐसी 51 सीटें जो इस बार इंडिया गठबंधन वहां पर जीत सकता है। उन्होंने उन सीटों के नाम बताए हैं जो आगे हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी हों, इस प्रकार से कुल मिलाकर 9 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश अब तक देश को दे चुका है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के लिए जो सट्टा बाजार की रिपोर्ट आई है वो जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके आपको वो 51 सीटें हम आपको बताते हैं जिनमें इस बार इंडिया गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है, या फिर बोले कांग्रेस या सपा आपको वहां पर मजबूत दिखाई दे रही है। सबसे पहले अगर सीट की बात की जाए तो वो है रायबरेली की सीट, जहां से विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे हैं। और ये बताया जा रहा है मुंबई सट्टा बाजार के आधार पर कि रायबरेली से आसानी से राहुल गांधी जी अपनी सीट निकाल लेंगे और राहुल गांधी जी उस सीट से विजयी होंगे। दूसरी सीट उन्होंने बताई है अमेठी की, जो काफ़ी चर्चित सीट है। अमेठी की सीट से आपको पता ही होगा इस बार राहुल गांधी जी ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था, जिसके बाद लगातार लोगों में ये धारणा बन गई कि वहाँ पर चुनाव बिल्कुल बैठ चुका है। लेकिन जैसे कांग्रेस ने वहाँ पर वापस से चुनाव बनाया, और जिसके बाद अब ऐसे समीकरण मुंबई सट्टा बाजार बता रहा है कि अमेठी की सीट स्मृति ईरानी जी हार सकती हैं और कांग्रेस उम्मीदवार वहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। तीसरी सीट आती है कन्नौज की सीट, जहाँ से सपा प्रमुख आपके अखिलेश यादव जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और ये सीट भी मुंबई का सट्टा बाजार अखिलेश जी को जीतता हुआ बता रहा है। चौथी सीट आती है मैनपुरी की सीट, जो एक बेहद ही हॉट सीट है, जहां पर अखिलेश जी की पत्नी डिंपल यादव जी चुनाव लड़ रही हैं और ये सीट भी आसानी से आपके सपा पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। पांचवी सीट की अगर मैं बात करूं तो वो सीट है आपके सुल्तानपुर की सीट, जहां से कद्दावर नेता बीजेपी की मेनका गांधी जी चुनाव लड़ रही हैं, जो गांधी परिवार से भी आती हैं, वो अपना चुनाव हारते हुए बताई जा रही हैं और वहां पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतता हुआ बताया रहा है। इस प्रकार दर्शकों, मैंने आपको पांच ऐसी हॉट सीट बता दी जो पूरे देश में जानी जाती हैं या उनके चेहरों को पूरे देश में जाना जाता है। अब मैं आपको, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इस वजह से, बाकी के बचे हुए 46 नाम आपको एक एक कर बता देता हूँ। तो दर्शकों, ये जो पांच सीटों का हाल जो सर ने बताया, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, उनके चेहरे से ये सीटें जानी जाती हैं। और अमेठी की तो आपने सुना ही होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस सीट को लेकर कई बार जो है अपने रैलियों में भी इसकी चर्चा करते हुए आपको दिखाई दिए होंगे। जो सर आपने जो दर्शकों को बताया कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और शॉर्ट ड्यूरेशन करने के लिए जो है 46 सीटें कौन कौन सी और मुंबई का सट्टा बाजार दिखा रहा है, तो आप दर्शकों के सामने बरसा जा रहे हैं। देखो, अगर छठी सीट की बात की जाए तो अब मैं आपको नाम नाम बताना जा रहा हूँ, वहाँ के मैं उम्मीदवार की बात नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से वीडियो देख रहे हैं तो आप उम्मीदवार के बारे में जानते ही होंगे। तो सबसे पहले छठे अगर नंबर की बात की जाए तो वो है इटावा की सीट। अगर सातवीं सीट की बात की जाए तो वो है फैजाबाद की सीट। ये सीट भी काफ़ी चौंका रही है क्योंकि इस बार देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा जो राम मंदिर का मुद्दा था वो इसी जिले से यानी कि अयोध्या से आता है, और अयोध्या में भी अगर इंडिया गठबंधन जीत जाता है
और बीजेपी वहां से भी हार जाती है तो इसका मतलब है बीजेपी के वोट बैंक में बड़ी सेंध उत्तर प्रदेश में लगती हुई दिखाई दे रही है। जिस मुद्दे के आधार पर बीजेपी पूरे देश में चुनाव लड़ना चाह रही थी, अगर वो मुद्दा उसी जिले में कामयाब नहीं होता है तो आप दर्शकों समझ सकते हैं कि स्थिति किस प्रकार की बन रही है इस बार। वहीं अगर मैं आपके 8वीं सीट की बात करूं तो फरुखाबाद है, फिर है फतेहपुर, उसके बाद है फिरोजाबाद, फिर है गाजीपुर, फिर है बुलंदशहर, फिर आता है चंदौली, उसके बाद है देवरिया, फिर है धरोरा, फिर है डुमरियागंज, उसके बाद है एटा, फिर है बलिया, फिर उसके बाद आता है बाराबंकी, फिर उसके बाद है बरेली, उसके बाद आता है भदोही, उसके बाद है बिजनौर, उसके बाद सांजापुर, उसके बाद है अम्बेडकर नगर, फिर आता है अमरोहा, फिर है आंवला। अगली सीट आती है आजमगढ़ की, जहाँ पर आजम खान जैसा बड़ा चेहरा जो अभी हाल ही में तो जेल में है लेकिन वो वहाँ से चुनाव लड़ाते हैं, अगर वो अभी जेल में हैं तो वहाँ पर उनके ही उम्मीदवार वहाँ पर चुनाव लड़ रहा है और कहीं ना कहीं उनका चुनाव में प्रभाव साफ दिखाई देखने को मिलता है क्योंकि ये उसी उनका ही क्षेत्र है, तो यानी कि ये सीट भी आराम से निकालते हुए वहाँ पर दिख रहा है। चुनाव से पहले ये भी कहा गया था अखिलेश यादव जी को कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए, लेकिन अखिलेश यादव जी ने यहाँ पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात की जाए तो बहराइच है, उसके बाद है हरदोई, फिर आता है जौनपुर, फिर है कैराना, उसके बाद है कन्नौज, फिर आता है कानपुर, उसके बाद है कौसाम्बी, फिर आता है कुशीनगर, उसके बाद है लालगंज, उसके बाद है मछली शहर, उसके बाद है महाराजगंज, उसके बाद है मोहनलालगंज, उसके बाद है नगीना, फिर उसके बाद है फूलपुर, उसके बाद है प्रतापगढ़, उसके बाद आ रहा है रामपुर, रामपुर के बाद है संबल, उसके बाद है त्रावस्ती, उसके बाद है इलाहाबाद, उसके बाद आ रहा है उन्नाव, उसके बाद है आगरा, आगरा के बाद आता है बागपत, बागपत के बाद है घोसी, घोसी के बाद है बांदा, और मैं अंतिम सीट की बात करूं तो वो है जो 51वीं सीट है वो है सहारनपुर की। यानी कि दर्शकों ऐसे 51 सीटों के नाम मुंबई सट्टा बाजार ने जारी किए हैं जो मैंने क्रमवार आपको बताए हैं कि इन सीटों पर इस बार इंडिया गठबंधन जीत सकता है, यानी कि सपा का उम्मीदवार या फिर कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ से जीत सकता है। दर्शकों ये आंकड़े थे मुंबई सट्टा बाजार के, हम इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं करते हैं किसी भी प्रकार से, जो मुंबई सट्टा बाजार ने आंकड़े जारी किए थे जैसे का तैसा हमने आपको अवगत करा दिया है। तो आप हमको बताइए, अगर आप उत्तर प्रदेश से ये वीडियो देख रहे हैं तो इन 51 सीटों में से आपको क्या लगता है कितनी सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं और इन पर किन किन सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार मजबूत हैं, या फिर 51 की 51 सीटें आपके इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं और इंडिया गठबंधन यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रहा है। जो भी आपके कमेंट्स हों, जो भी आपकी राय हो, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। और साथ ही मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि अगर आप ये वीडियो अगर उत्तर प्रदेश से देख रहे हो तो जिस जिस जिले के जैसे सर ने यहाँ पे बताया तो उस जिले के कैंडिडेट का नाम लिख के जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताए कि ये इस पार्टी से यहाँ पे विजय होता हुआ ग्राउंड लेवल पे हमें दिखा रहा है। क्योंकि लगातार जिससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बताया था कि 4 जून से पहले जाने इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, तो उस वीडियो में हमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से मैसेज प्राप्त हुए थे, जिसकी वजह से जिस बिहाफ पे हमने ये वीडियो की और आपको इस वीडियो में हाल बताया उत्तर प्रदेश की सीटों का। और अगर आप ये वीडियो उत्तर प्रदेश के अलावा किसी अन्य प्रदेश से देख रहे हो तो आप उसमें जो है अपने जिले का और अपने प्रदेश का नाम लिखकर हमारे पास कमेंट करें। जो प्रदेश या जिस जिले से हमारे पास सबसे ज्यादा मैसेज आएंगे हम अगली जो वीडियो है अगले चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम में उस प्रदेश की हम सभी लोकसभा सीटें जैसे आज उत्तर प्रदेश का क्या इसी प्रकार से उसकी भी चर्चा करेंगे किसी न किसी सट्टा बाजार या फिर ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट के आधार पर। तो फटाफट फोन निकालो, कमेंट करना शुरू करो और ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ली है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपका और हमारा जुड़ाव लगातार रह सके। इसी के साथ एक बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो जितनी भी वीडियो अपलोड हुआ हमारे चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। फिलहाल जो है इस प्रोग्राम में जाने की हम चाहते हैं इजाजत, मुलाकात होगी ऐसे ही चुनाव से जुड़ी रोमांचित जानकारियों के साथ। मैं था इस चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम में आपका होस्ट सचिन यादव, हमारे साथ है सर पुरुषोत्तम वशिष्ठ जी। फिलहाल लेते हैं हम विदा, जय हिंद जय भारत।